असलकम कैसे हो आप सीध करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे जैसे कि आपने में देखा गवर्नमेंट की जानी से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती का ऐलान कर दिया गया है, है तमाम अपडेट्स दूंगा 18 से लेकर 28 साल एज लिमिट है कौन कौन से हमी है और यहाँ पर जो एज लिमिट और एजुकेशन क्या है और अप्लाई कैसे करना तमाम अपडेट्स दूंगा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि जब भी जो उसके रिलेटेड नई अपडेट आए तो आपको पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे ही यहाँ पर दे सकते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट तो ये लिंक आपको जो है जैसे ही जॉब लवर्स की साइट पर मिल जाएगा और अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन फार्म है वो भी आपको दिखाऊँगा कहाँ से मिलेगा और तो कैसे फिल करना है तो सबसे पहले जो आसामियाँ दिखा देता हूँ कौन कौन सी आसामियाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टिनोग्राफ़र की असामियाँ अठारह से तीस साल एज लिमिट है बैचलर डिग्री वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अकाउंटेंट की आसामी देखने में मिली है अठारह से तीस साल यहाँ पर एच डीम बी कॉम बी एकोनॉमिक्स बी वाले अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद टाइपिस्ट की असामियाँ है उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर आसामी देखने में मिली है उसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की असामियाँ सेकंड डिवीजन के साथ जो है बैचलर डिग्री हो तो अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा तो आपने उसे प्रिंट कर लेना है या फिर आप कंप्यूटर सेक्शन सेशन कोड कोयटा पर जाकर जो है आप भी इसे अपलिकेशन फॉर्म को हासिल कर सकते हैं और यहाँ जो है डाउनलोड करके भी आप जो है उसे प्रिंट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दिए गए इस पर आपने सेंड कर देना है यहाँ पर जो है तमाम देख सकते हैं रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अटैच करने हैं एन के साथ लास्ट डेट आपको जो देखने को मिली है वो आपको पंद्रह अक्टूबर देखने को मिली है तो इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं तो बाकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ वीडियो को रोक भी देख सकते हैं या साइट पर जाकर जो है इसे रीड कर सकते हैं एवर्टाइजमेंट को और एप्लीकेशन फारम बता देता हूँ तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फारम मैंने डाउनलोड कर लिया तो यह एप्लीकेशन फारम है सिंपल सा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक एंड सेशन कोड कोटा यहाँ पर जो है की जाने से जिस हिसाब पर अप्लाई करना है सबसे पहले आपने पोस्ट का नाम वाल अपना नाम वालद का नाम शनाख्ती कार्ड जो सिंपल जो है क्राइटेरिया वो आपने इसे फिल करना है फिल करने के बाद नीचे हैं तो यहाँ पर अकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपने इसे फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो एन जो है यहाँ पर आपने फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपने लास्ट में सिग्नेचर फिल करके जो है इसे तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दी गए पर आपने सैंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको जॉब जोबलावर्स की साइट पर मिल जाएगा गूगल पे लिखना है जॉब जोबलावर्स जैसी लिखोगे पहली साइट मिलेगी वहाँ पर जो है तमाम पोस्टिंग यहाँ पर अपडेट्स डेली दे देखने को मिलती है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलता है सीगनी वीडियो के साथ तब तक के लिए अला हाफिज़